जैसा कि हम अवगत हैं काशी में कि ट्राई टू फाइट फाउंडेशन काफ़ी समय से मरीन बस्ती में उन बच्चों के साथ जो किन्हीं कारणों से रेगुलर एजुकेशन नहीं परस्यू कर पा रहे थे और वो प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशन से छूट जा रहे थे, उनके यहाँ जाकर जिस स्थल में जहाँ वो बसते हैं वहाँ पे पढ़ाई का मुहिम चला रही है। तो नगर निगम और स्मार्ट सिटी की तरफ से यह सोच पिछले साल हम लोगों ने ली कि जो भी गैप है, चाहे वो संसाधन के रूप में हो या कोई और स्रोत के रूप में हो, उसको हम पूरा करने की कोशिश करें सो दैट आपके अभियान को संबल मिले। उसी क्रम में ये बस लास्ट ईयर दी गई थी, बस का जो प्रयोग था वो सफल हुआ, तो अब आशा ये है कि हम लोग जल्दी ही इसको करीब 5 से 7 बसेस और इसी प्रकार की जो चल भी सकती हों उनको हम प्रिपेयर करेंगे और आपकी फाउंडेशन के साथ मिलकर छोटे छोटे इनिशिएटिव, चाहे वो आज बैग डिस्ट्रीब्यूशन या स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हो इस तरह का, या हेल्थ चेकअप हो, तो जो 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 गैप्स हैं उन गैप्स को पूरा करते हुए हम इसको लगातार साथ में इस जो लास्ट हमारा पायदान है जो छूटा हुआ है उसको कवर करने में एजुकेशन के रूप में ये हम मुहिम चलाएंगे। कितने साल चलाई जा रही है नगर निगम की पार्टनरशिप? तो पिछले साल से शुरू हुई है, आप लोग काफ़ी समय से ये कार्य कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी आपके प्रयास को सराहा गया, तो जैसा मैंने कहा कि अद्वितीय है और ये सस्टेनेबल रहे और आप लोगों का जो व्यक्तिगत प्रयास है उसको इंस्टीट्यूशनल संबल मिले, इसमें हम और भी संस्थाओं को जोड़ेंगे जो बड़ी संस्थाएं हैं शहर की, कि वो भी अपने शहर में इस तरह से कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई व्यक्ति जो आखिरी पायदान पर खड़ा है उसका भी जुड़ना शिक्षा से बहुत ज़रूरी है। तो ये उसी मुहिम के तहत कि सर्वांगीण विकास सभी लोगों का हो, सभी श्रेणी के लोगों का, ये हम लोग साथ में सहयोग कर रहे हैं। आप इसमें बच्चों को पढ़ाने की मुहिम चलाएंगे? हाँ, तो इसमें एक इंटरवेंशन ये भी रहेगा कि संसाधन तो एक पार्ट है पर नगर निगम के और अधिकारी भी, कर्मचारी गण भी अलग अलग जगहों पे, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग आएंगे, मैं भी आऊँगा और कम से कम हफ्ते में एक क्लास बच्चों के साथ बैठ के अलग अलग विषयों पर बातचीत या खेलना इत्यादि के माध्यम से उनके बीच में समय बिताने की हम लोग ज़रूर इसमें सुनिश्चित करेंगे। लगातार सरकार जो है प्राइमरी विद्यालय में एक बस को लाने से क्या? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कई कारण ऐसे हैं जो हम लोग जितना भी प्रयास कर लें वो पूरे हम लोग कवर नहीं कर पाते, तो बस का कारण ये रीज़न ये था कि ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए यूज़ हो, ब्रॉड शिक्षा है हमारी, जो स्किल एजुकेशन है वो है, तो इसके लिए भी अलग अलग कारणों से, क्योंकि मोबाइल है एक तरह से चलता फिरता क्लासरूम है, किसी भी तरह के शिक्षा के लिए और मैसेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये एक उसका वन ऑफ दी यूज़ है, और जैसे मैंने कहा ब्रॉड शिक्षा, स्किल एजुकेशन, इन सब के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे।